बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत हमीरपुर बाजार में CDPO के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। हमीरपुर जिला भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत आगामी 6 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि जिला में लिंग अनुपात को और सुधारा जा सके। जागरूकता रैली में महिला मंडल सदस्य पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर CDPO कल्याण सिंह, बलबीर बिरला, कुलदीप सिंह, DPRO विनय शर्मा मौजूद रहे। CDPO कल्याण सिंह ने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि लिंग अनुपात में सुधार लाया जा सके और लिंग जांच ना करवाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि अगले 6 दिनों तक लगातार अभियान के तहत काम करके गांव-गांव में लोगों को जागरूकता का अलख जगाया जाएगा। जागरूकता रैली के दौरान महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर पूरे बाजार में रैली निकाली और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का संदेश दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला हमीरपुर का चयन हुआ है। उस वक्त इस जिला में जो लिंगानुपात था वो 887 था और 1.5 साल के सक प्रयत्न से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और ICDS की टीम के सहयोग से जन जन तक ये बात पहुंचाई और लोगों ने ये शपथ ली कि हम लिंग जांच जो है वो नहीं करवाएंगे, पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगाएंगे और अपने बेटियों को गर्भ में मारने का कोई भी जो चांस नहीं लेंगे। पूरे लोगों को शपथ दिलाएंगे, घर घर जाके जो है इसका प्रचार करेंगे और उसके फलस्वरूप अब जो है हमारा लिंग अनुपात 916 के आसपास जो है। तो इसके साथ ही सारे आज जो है नव भारत की बेटियों का अभियान जो है वो शुरू हुआ, जो 6 दिन तक के लिए जो है वो चलेगा और पूरा तन्मयता से, पूरा समर्पण से पूरी टीम जो है लोगों के बीच में जाकर इस अभियान का जो है वो संदेश पहुंचाएंगे और लिंगानुपात जो है इसमें 100% सुधार लाने की जरूरत है।